नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं नेहा। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, झारखंड चुनाव के सह प्रभारी और बिहार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर श्री नंद किशोर यादव सर जुड़े हुए। सर, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट में। झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आप अभी रांची में मौजूद हैं। पहला सवाल यही कि क्या तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की और क्या उम्मीदें हैं? तैयारी और उम्मीद तो पूरी, पॉलिटिकल पार्टी तो हर समय चुनाव के मूड में रहती है और यहाँ तो घोषित चुनाव होने वाला है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह कमर कस के तैयार है। जहाँ तक तैयारी का सवाल है, मुद्दे का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास दो ही मुद्दे हैं। एक तो है विकास, 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 और दूसरा है हमारी पार्टी की ताकत। झारखंड में और दिल्ली की सरकार ने जो काम किया है विगत 5 साल के अंदर, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, मजदूर, महिलाएं, आदिवासी, अनुसूचित जाति, इन सब वर्गों के कल्याण के जो कार्यक्रम हमने किए हैं, उन कार्यक्रमों के आधार पर हम जनता के अदालत में जाएंगे और हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत, झारखंड में पार्टी की ताकत बहुत बढ़ी है पहले की तुलना में। 14 के चुनाव में हमारे पास 25 लाख मेंबर थे, अब लगभग 50 लाख मेंबर हो गए हैं। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं की बढ़ी हुई ताकत को, उसका इस्तेमाल हम करेंगे जो सरकार के किए गए काम है उसको जनता तक पहुंचाने के लिए। और मुझे पूरा भरोसा है भाजपा की बढ़ी हुई ताकत और दोनों सरकार के काम 65 पार का लक्ष्य प्राप्त करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं। सर, पिछले बार संथाल एक बड़ी चैलेंज थी आपके लिए, इस बार जो हम देख रहे लगातार रघुवर दास जो हैं मुख्यमंत्री जी, वो लगातार संथाल में दौरा कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार संथाल बहुत आसानी से निकल जाएगा? नहीं, मुख्यमंत्री जी केवल संथाल में दौरा नहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली है और जो उन्होंने काम किया है विगत 5 साल के अंदर, उस काम के बल पे लोगों से आशीर्वाद मांग रहे हैं और उनकी यात्रा पूरे झारखंड प्रदेश में होगी। शुरुआत उन्होंने संथाल से किया है और संथाल ने तोहफा दिया है मुझे, 2019 के लोकसभा चुनाव में शिबू सोरेन जी को पराजित करके भाजपा के उम्मीदवार को जिताया है। तो अब वो जो संथाल के बारे में पहले जो धारणा थी, धारणा 19 के चुनाव के बाद बदल गई है और विधानसभा चुनाव के बाद और बदल जाएगी। बहुत बड़ा जो बीच में क्राइसिस जो नजर आ रहा था बीजेपी के सामने, वो नॉन ट्राइबल और ट्राइबल एक मुद्दा था, आदिवासी गैर आदिवासी मुद्दा बीच में ही उठाया गया था मुद्दा जेएमएम की तरफ से या जेवीएम की तरफ से, कई बार अभी भी उठाया जा रहा है कि आदिवासी मुख्यमंत्री चाहिए, आदिवासी मुख्यमंत्री चाहिए, इसको बीजेपी कैसे देख रही है और कैसे सॉल्व करेगी? देखिए, कोई मुद्दा ही नहीं, मुद्दा है झारखंड का विकास। और जेएमएम और बाकी पार्टियां मुद्दे केवल इसलिए उछालती हैं कि उनके पास कोई काम किया हुआ नहीं है, उनके पास कोई दूसरे मुद्दे नहीं है। और हमने जितना काम किया है लोगों के लिए, चाहे वो आदिवासी समुदाय के लोग हों या गैर आदिवासी समुदाय के लोग, सबके कल्याण के लिए काम किया है। आदिवासी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है, उसके कारण जो उनका वोट बैंक घसक रहा है, इसलिए वो भ्रम पैदा करना चाहते हैं, झूठ का पहाड़ खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन झारखंड की जनता जागरूक हो गई है, उनके किसी भी झूठ का कोई असर पड़ने वाला नहीं। सर, आजसो आपके साथ यहाँ पे गठबंधन में बहुत शुरू में अंदर खाने से आवाज़ आ रही थी कि बीजेपी अगर फ्लेक्सिबिलिटी शो करती है तो जेडीयू भी यहाँ पर भी एनडीए में गठबंधन में आ सकती है। आजसो पार्टी का 20 सीट मांगना और जेडीयू को इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा गर्व कराम किया कि वो 41 सीट पर लड़ने के लिए उन्होंने खुद ही अकेले वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। मुझे मालूम नहीं प्रश्न कहाँ से कर रही है जी। आजसो के साथ मेरा गठबंधन है और गठबंधन चुनाव में भी जारी रहेगा। जनता दल यू एक अलग पार्टी, वो पहले भी हमसे अलग होकर चुनाव लड़ती रही है। बिहार, हमारा गठबंधन जदयू के साथ बिहार में, बिहार के विकास के लिए, और बिहार का विकास दोनों मिलकर हम कर भी रहे हैं। जहाँ तक उनके अलग लड़ने का चुनाव है का सवाल है, पहले भी गुजरात में चुनाव लड़ चुके हैं, असम में चुनाव लड़ चुके हैं, दिल्ली में लड़ चुके हैं, तो पहले भी लड़ चुके हैं चुनाव, वो पहले भी विधानसभा चुनाव अलग लड़ चुके हैं, वो हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। हमारे पास हमारी सरकार का काम, हमारा नेतृत्व, यही हमारा मुद्दा है। और आजसो का 20 सीट तय करते हैं उन्होंने? नहीं नहीं, ऐसा कोई उन्होंने सीटों की संख्या की चर्चा नहीं की है, उनसे वार्ता चल रही है और हम दोनों की इस बात पे सहमति है कि जीतने वाले उम्मीदवार को चुनाव के मैदान में उतारा जाना चाहिए, केवल इतना ही। सर, कई ये भी आवाज आती है जेवीएम भी शायद बीजेपी के साथ आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आपके तरफ से वो स्वागत शायद बाबूलाल मरांडी को मिला? आपके समाचार का स्रोत क्या मुझे मालूम नहीं, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। बिहार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, बिहार में जो बाढ़ की स्थिति बनी उसके बाद, फिर अभी जो है पानी निकलने के बाद दलदल की जगह से फिर महामारी फैल गई है, फिर तो पहले आप
एक राय आप दे दो फिर आगे। नहीं नहीं, जो जल जमाव की स्थिति पटना शहर में भी है, मालिक पहली प्राथमिकता है कि जो लोग इससे पीड़ित हैं उनको राहत दिया जाए। लगभग अधिकांश स्थानों से जल की निकासी का काम पूरा हो गया है, कुछ निचले हिस्से में जो थोड़ा बहुत पानी जमा है उसके निकालने की प्रक्रिया चल रही है। बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से ब्लीचिंग पाउडर और दवाइयों के छिड़काव किया जा रहा है ताकि कोई महामारी न फैले। आज भी कोई महामारी वहाँ फैली ऐसा नहीं, पूरी व्यवस्था अंडर कंट्रोल है। जो कुछ डेंगू के मरीज पाए भी जा रहे हैं उनका समुचित इलाज हो रहा है अस्पतालों के अंदर, अलग से वहाँ स्थान चिन्हित किए गए हैं, पूरी चिकित्सा व्यवस्था बनाई गई है। कोई आदमी महामारी का शिकार न बने इसकी कोशिश की जा रही है। गिरिराज सिंह ने बार बार कहा है कि नीतीश सरकार फेल हो गई है, इस स्थिति में पटना को बचाएं। मैं किसी के वक्त पर वक्त नहीं देता हूँ। मतलब आपके नजर में कौन सबसे बड़ा कारक रहा जो ये स्थिति बनी पटना में? देखिए, मैंने कहा आपको, मेरी पहली प्राथमिकता है जो लोग आपदा से प्रभावित उनको राहत पहुंचाने का काम, और हम निश्चित रूप से इन कारणों की समीक्षा करेंगे, जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई करेंगे, और केवल कार्रवाई नहीं करेंगे बल्कि आने वाले दिनों में इस प्रकार की समस्या दोबारा पैदा नहीं हो इसके लिए कार्ययोजना बनाकर उसको एक्सक्यूट करें। तो ये हमारे साथ थे नंदकिशोर यादव, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बिहार के, जो सभी सवालों के बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया है। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी, इनके जवाबों को आप खूब पसंद करें। चलो चलते हैं। पर कहाँ? एक सरप्राइज है आपके लिए, थोड़ा सा वेट करो बट चलो। ओह रियली? यस, आई लाइक सरप्राइजेस बट मेक श्योर कि सरप्राइज अच्छा होना चाहिए। डोंट वरी डियर, ये बेस्ट सरप्राइज होगा अभी तक का। पापा मुझे भी सरप्राइज चाहिए। हाँ बेटा, ये सरप्राइज आपके लिए भी है, चलो। हेलो सर, हेलो मैम, पैनोरमा टाउनशिप की यही खासियत है कि ये बिल्कुल ही अफोर्डेबल है। इसके साथ साथ यहाँ मेट्रो सिटी की तरह सारी अमेनिटीज भी हैं, जैसे कि पार्किंग स्पेस, टेंपल, क्लब हाउस एंड मेनी मोर। सबका सपना घर हो अपना। पैनोरमा।